शादी के बाद एक लड़की की पूरी दुनिया होता है उसका पति, जिससे उसे सिर्फ प्यार की उम्मीद होती है, पर इसके बदले उसे लात घूसों से मारा जाए और उसका पति उसे बालों से घसीटे तो राहुल महाजन की दूसरी पत्नी ने उन पे यही आरोप लगाए थे। पर हैरानी की बात तो ये है कि अपनी पत्नी पर उस गुलजार का हाथ भी छूट चुका है जिसके बनाए प्यार के नगमे सुनकर हमारा बचपन बीता था। रास्ते क्यों भूल जाते हो, तुम्हें हर रास्ते के अंत से डर लगने लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में जिन्होंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, उस नारी पर हाथ उठाया जिसे भारत में भगवान का दर्जा दिया जाता है और उसे पूजा जाता है। और सबसे बड़ा झटका आपको तब लगेगा जब इस लिस्ट में उस खान का नाम भी शामिल है जिसका मूवी का ट्रेलर बुर्ज पे आने के चर्चे चारों तरफ फैले थे। अब कौन है वो खान, चलिए शुरू करते हैं। खूबसूरती सिर्फ औरत के माथे पर लगी हुई बिंदी ही नहीं, खूबसूरती मेहनत कस औरत का पसीना भी है। औरतों के बारे में ऐसी सोच रखने वाले गुलजार साहब ने अपनी ही बीवी को काम करने से मना किया था। और दोस्तों, इनकी बीवी राखी 70s के दशक में बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। यही नहीं, गुलजार ने शादी करते वक्त ही कह दिया था कि मैं पुराने ख्यालतों का आदमी हूँ, इसलिए तुमको नहीं काम करना पड़ेगा। इसलिए इस शर्त पर टिकी इनकी शादी, राखी सिर्फ गुलजार के साथ शूटिंग देखने जाया करती थी। उसी पर जब गुलजार और राखी आधी फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर गए तो उस रात गुलजार से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हुआ यूं था कि संजीव कुमार और सुचित्रा सेन शराब पीने बैठे थे और नशे में संजीव ने सुचित्रा को छेड़ दिया। मामला ज्यादा गर्म न हो इसलिए वो सुचित्रा को बचाते हुए एक तरफ ले गए, पर जब तक वो रूम पहुँचते उससे पहले ही राखी ने इस पर आपत्ति जता दी। राखी के इस बर्ताव पर गुलजार को गुस्सा आया और उन्होंने राखी पर हाथ उठाया। इस शर्मनाक हादसे की अगली ही सुबह राखी चली गई और गुलजार को डिवोर्स पेपर थमा दिए। कुछ दिनों के बाद बच्ची को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने तलाक का ख्याल छोड़ दिया, मगर आज भी वो अलग अलग रहना ही पसंद करते हैं। महिला को ऑब्जेक्ट बना दो, मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई है, मैं इससे कैसे मजा ले लूं। ये तब का वीडियो है जब विवेक भाई सिंगल थे और जब 2023 दिसंबर में शादी हुई तो उसके बाद ये वीडियो विवेक की शादी के चंद घंटों बाद खींचा गया था। घटना 7 सितंबर को शुरू होती है जब विवेक और उसकी माँ आपस में लड़ रहे थे और जब इस लड़ाई में उनकी नव नवेली दुल्हन यानिका आई तो विवेक का पूरा ध्यान भटका और वो यानिका को अपने कमरे में ले गया। पुलिस के मुताबिक उस रूम के अंदर विवेक ने यामिका को बहुत मारा और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। इनफैक्ट ये लड़ाई नीचे रास्ते पर भी होती दिखी। इस पूरी घटना को यानिका के भाई ने परखा और तुरंत पुलिस को फोन किया। इस पर पुलिस ने विवेक पर IPC की धारा 323, 325, 427 और 504 लगाई, यानी कि भर भर कर इल्जाम का टोकरा विवेक पर टूट चुका था। पर दोस्तों, अभी तक इस मामले पर ना तो विवेक की तरफ से स्टेटमेंट आया है ना ही पुलिस की तरफ से। पर जब विवेक को संदीप माहेश्वरी वाली कंट्रोवर्सी पर पूछा गया तो विवेक उन सब चीजों को इग्नोर करना चाहते हैं। आता है तो आप बस इग्नोर करने वाले हैं। बिल्कुल इग्नोर करने। अगर आप लड़की हो और आपकी लाइफ में कोई लड़की है, सावधान, आप किसी भी वक्त एक बीमारी से ग्रस्त हो सकते हो। बीमारी गलतफहमी की नहीं समझे तो राहुल महाजन की कहानी सुनिए जिनकी एक नहीं बल्कि तीन तीन वाइफ को ये बीमारियां थी। साल 2006, उनकी शादी उनकी बीवी से हुई नहीं उससे पहले ही उनकी अखबार में उनकी पत्नी को पीटने की खबर आ गई। हालांकि दोनों ने इसे झूठ बताया, पर डिवोर्स पे खुद श्वेता ने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, यानी कि हो सकता है कि उन्हें राहुल के सुधर जाने की गलत फहमी थी। फिर राहुल की लाइफ में एंट्री हुई डिम्पी गांगुली की, शायद इस गलत फहमी के साथ कि राहुल उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। पर 4 महीने में ही उनकी ही अब्यूज की खबरें आई और अब डिवोर्स के चर्चों के बीच उनकी तीसरी पत्नी की हैपीली आफ्टर की भी गलत फहमी दूर हो गई, जिनके बीच अभी तक किसी ने अब्यूज का एंगल नहीं देखा। लेकिन कल क्या हो ये तो किसने देखा है। पर ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। श्वेता तिवारी को भी पहले राजा चौधरी और फिर अभिनव कोहली के साथ अपनी हैप्पी एंडिंग की आशा थी, और जब दोनों ही शादियों में इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो इन्होंने शादी तोड़ने और पति छोड़ने में देर नहीं की। 2019 में एक इंटरव्यू में कहा था कि इन सब के बाद अब वो एक हैप्पीली स्पेस में है। और बेचारी राखी का अपने पति को डोमेस्टिक वायलेंस के बीच जेल भेज कर भी उनका हाल बेहाल ही रहा। बॉलीवुड के रोमांस किंग बोले तो एसआर के, पर रोमांस के पर्चे हमेशा सलमान के ही बटते हैं। बावजूद इसके सलमान आज
आज तक कुंवारे हैं और इसकी वजह इनके लव इंटरेस्ट की शादियों की सहनाई नहीं, भाईजान का बिना बैंड बाजे के लोगों को बजाना भी हो सकता है। वो भाईजान जिनके बुर्ज खलीफा पर टाइगर 3 के ट्रेलर का आने की खबर चारों तरफ फैल गई थी। इनकी एक्स एक्सोरिया ने उनके साथ फिजिकल होने और उन पर मारने के इल्जाम लगाए थे। भले ही सलमान इस पर अपनी सफाई दे चुके हैं, लेकिन ऑडियंस की सोच अभी तक नहीं बदली है उनके खिलाफ। और जब उनकी 90s की गर्लफ्रेंड सोमी अली ने उन पर लगे इल्जामों को दोहराया तो लोगों की सोच सलमान को लेकर और पक्की हो गई। शायद वो एक मारपीट करने वाले बॉयफ्रेंड है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये थी 90s के पहले की कहानी। लेकिन आज तो हस्बैंड ही अपनी पत्नी से डर कर रहते हैं और ऐसे ही पतियों की गिनती में डिवोर्स से पहले शायद ऋतिक भी शामिल थे। आज भले ही हैशटैग ऋतिक सबा है, पर 2017 में ऋतिक और कंगना की डेटिंग और तकरार के चर्चे थे। जिस बीच कंगना की बहन रंगोली ने रोशन खानदान पे सुनैना रोशन यानी ऋतिक की बहन को टॉर्चर करने का इल्जाम तक लगाया था, जिसे रोशन खानदान ने नकारा। लेकिन आगे चलकर सुनैना ने रंगोली और कंगना की बात को एक्सेप्ट किया और ऐसे ही एक इंटरव्यू में शादीशुदा आदमी के प्यार में पड़ने का एग्जाम्पल भी दिया, ये कहकर कि जब आप जवान और नादान होते हो और एक शादीशुदा आदमी आकर आपसे ये कहता है कि मेरी बीवी मुझे मारती है तो आप उसका भरोसा कर लेते हो। आपको क्या लगता है, कंगना ने ये एग्जाम्पल ऐसे ही दे डाला या फिर ऋतिक की वाइफ उन्हें सच में टॉर्चर करती है? जब तक आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कंगना का सिर्फ ऋतिक के साथ नहीं बल्कि उनके पहले बॉयफ्रेंड के साथ भी 36 का आंकड़ा है। आज सैफ की अमीरी देखकर सबका यही कहना है, एक टाइम पर सैफ इतने कंगाल थे कि उनका गुजारा सिर्फ ऐड करके होता था। जहां आज आपने देखा कि सेलिब्रिटीज अपनी पत्नी को मारते हैं, वहीं यहां मामला थोड़ा उल्टा है। जब 21 साल के सैफ ने 34 साल की अमृता से शादी की तो सब लोग शॉक्ड हो गए थे और हैवी मैरिज का ठप्पा लगाकर सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि डिवोर्स की खबरें फैलने लगी। इसकी वजह सैफ ने घर में हो रहा डोमेस्टिक अब्यूज बताया। इतना ही नहीं, सैफ ने ये भी बताया कि ये अब्यूज उनकी माँ और बहन के साथ में भी हुआ था। अमृता सैफ को रोज कहती कि वो किसी काम के नहीं है, लेकिन ये मामला डिवोर्स होने के बाद भी नहीं रुका। डिवोर्स के बाद सैफ को अमृता को 5 करोड़ रुपए देने पड़े, यानी ये आज उनके पास रही कोटी बंगलों के पीछे उनकी बहुत बड़ी मेहनत का हाथ है। तो दोस्तों, ये थे वो सेलिब्रिटी जो कैमरे के पीछे अपनी लाइफ को हैप्पी हैपनिंग और साफ सुथरी बताते हैं, लेकिन इन सब ने अपने पार्टनर पर हाथ उठाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।